शुभमस्तु। श्रवण आदि महर्षियों, सब कुशल मंगल है। नैमिषारण्य में आप लोगों के यज्ञ बिना किसी बाधा के चल रहे हैं ना? आपकी कृपा से सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है स्वामी। इस समय आप लोगों के आने का तात्पर्य क्या है? मुनिंद्र, आजकल भूमंडल पर जिधर देखो उधर जय संतोषी माँ का नाम सुनाई दे रहा है। आखिर वो माँ कौन है? इससे पहले कभी उस माँ के दर्शन ही नहीं हुए और उनका नाम तक हम नहीं जानते हैं स्वामी। हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। महर्षियों, उस माँ को संतोषी रूपा देवी कहते हैं। वो शक्ति स्वरूपिणी भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देकर हमारे कष्टों को आसान कर हम सबकी सहायता करने वाली माँ है। वो माँ इतनी महान है क्या स्वामी? उस माँ के दर्शन के लिए श्रद्धा पहली सीढ़ी है। उनका रूप ही श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही प्रेम है और वही प्रेम हृदय का भाव है। वो प्रेम एक महान शक्ति है। उस शक्ति के दर्शन के लिए पवित्रता का भाव होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो संतोषी रूपा देवी प्रेम का स्वरूप है। भूलोक में मानव की कठिनाइयों को आसान करके उनको सुख शांति अनुग्रह करने के लिए, भक्तों की शारीरिक मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए अवतरित हुई अपार करुणा स्वरूपिणी अमृतदायिनी है। अभी तक जगत माता को हमने बहुत से अवतारों में देखा है, तो आखिर संतोषी माता के अवतरित होने का कारण क्या है? इस बारे में कृपा कर सविवरण बताइए महर्षि। आप सर्वज्ञ हैं। सकल पुराण इतिहास पवित्र ग्रंथों के सागर में लीन हुए परम परम भागवतम हैं। माँ की कहानी सुना के हमें धन्य करिए स्वामी। हाँ हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। उस आदिशक्ति जगत माता की विशेषताओं और लीलाओं का वर्णन करके न सिर्फ लोक कल्याण होगा बल्कि आप सबको सुनाने से मेरा भी कल्याण होगा और हम सबको मोक्ष सिद्धि की प्राप्ति होगी। अतः सावधान चित होकर सुनिए, विराजिए। इस सकल सृष्टि की रचना के उपरांत अनंत कोटि ग्रह राशियों का भ्रमण शुरू हुआ और उनमें ये भूमि और कर्म साक्षी सूर्य मूल केंद्र हैं। हमारी भूमि स्वयं भ्रमण करते हुए सूर्य की परिक्रमा लगातार करती है। इसी भ्रमण और परिक्रमा से रात और सुबह उत्पन्न होते हैं। जैसे एक सुबह और एक रात के मिलने से एक दिन बनता है, वैसे ही 15 दिन का एक पक्ष होता है और 2 पक्ष मिलने पर 1 महीना और इसी तरह 12 महीनों की गति से साल और काल का निर्माण होता है और इसी तरह इस काल चक्र के निर्माण से युग बनते हैं। उन युगों के नाम बताइए स्वामी। सबसे पहला सतयुग है। उसकी काल परिधि 15,20,000 वर्ष है। ये दैविक युग है जो सत्व गुण प्रधान युग है और इस काल में समस्त लोकों के मनुष्यों ने धर्मपरायणता से, कर्मपरायणता से, परम निष्ठा और गरिमा से देव समान जीवन जिया है। दूसरा युग त्रेता युग है। उसकी काल परिधि 12,69,000 वर्ष है। इस युग में धर्म 4 पहियों पर चला है। अवतार पुरुष श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर अपने धर्म पालन से राम राज्य में धर्म देवता को प्रतिष्ठित किया। प्रजा वाक्यंतु कर्तव्यम, प्रजाहित धर्म का पालन करके
प्रजा सक्षेम पालन पद्धति की शुरुआत की, इसीलिए वो राम राज्य होने पर भी सच में प्रजा राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सारी प्रजा सुख शांति से दिन बिताने लगी, इसलिए यथा राजा तथा प्रजा इस कहावत का उन दिनों आविर्भाव हुआ। और तीसरा युग द्वापर युग है। इसकी काल अवधि 874,000 वर्ष है। इस युग में धर्म कमजोर हुआ। धर्म देवता सिर्फ दो पहियों पर ही चले। इसका कारण तीनों गुणों यानी सत, रज और तमो गुणों में से सद्गुण की क्षीणता है। तमो रजो गुणों का असर थोड़ा ज्यादा हुआ, मतलब अधर्म का बढ़ना, पाप में बढ़ोतरी, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता और प्रतिकार से भरे हुए स्वार्थ ने जन्म लिया, धर्म को हानि पहुंची। साधु गुणों का पतन होकर पशु प्रवृत्ति बढ़ने लगी, इसीलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। और चौथा युग है कलयुग। इस युग की अवधि 432,000 वर्ष है। श्री कृष्ण के निर्वाण के बाद इस युग का आरंभ हुआ। इस युग में कल पुरुष के प्रभाव से धर्म का संपूर्ण नाश हुआ। मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे 6 शत्रुओं के अधीन होकर दूसरों को पीड़ित करते हुए अधर्म के कार्यों में डूबा रहता है। सत्वगुण दिखाई नहीं देता। तमो रजो गुणों के अधीन होकर पाश्विक प्रवृत्ति बढ़ी है, जो लोक विनाश का मुख्य कारक है। इसी कारण से भूमाता पाप का भार न ढो सकते हुए तड़प रही है। और तभी त्रिलोक संचारक महामुनि नारद भूमाता के दर्शन के लिए रवाना हुए।
नारायण नारायण। आहा, ये मेरा सौभाग्य है कि फिर से भूलोक देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अतः भूमाता से थोड़ी देर बात करने, परिस्थितियों का परीक्षण करने तथा अपने योगदान की आवश्यकता हेतु विचार विमर्श करने जाता हूं। नारायण नारायण। कैसी विडंबना है, कहीं पृथ्वी पर प्रलय तो नहीं आ रही? अन्यथा इस कोलाहल का और क्या कारण हो सकता है? भूमाता नारायण। हे धरती मां, आपके चेहरे पर यह भय कैसा? आप इतनी परेशान क्यों हैं? उचित समझे तो कुछ अपनी परेशानी का कारण बताएं माँ। नारद, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग से भी ज्यादा धर्म भ्रष्ट से भरा हुआ है ये कलयुग। इस युग में तो रत्ती भर भी न्याय नहीं दिखता मुझे। किसी को खुद की इंद्रियों पर काबू नहीं है, ना तो कोई भगवान को और ना ही आत्मसम्मान को मानता है। इन मानवों में तो मानवता नाम की भी नहीं है, ये तो दानवों से भी बढ़कर है। इन्हें सहना बहुत मुश्किल है। अर्थात चारों ओर अराजकता है? सच कहते हो नारद, असुरों ने तो उन ऋषि मुनियों को परेशान किया जो देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन कलयुग का ये मानव मानवता का धर्म भूलकर उन्हें परेशान करता है जो उनके साथी हैं। मानव में इस कुपरिवर्तन का कारण क्या है? ये स्वार्थ है नारद, जो सभी अपराधों का मूल कारण है। ये स्वार्थ मानव के भीतर बैठ गया है एक जड़ की तरह, जिसके जहर ने भलाई करुणा और अच्छाई को पूरी तरह मार दिया है नारद। लालच तांडव नृत्य कर रहा है, जिधर देखो उधर अन्याय है, हर कोई अपनी किस्मत को रो रहा है। भूलोक तो नर्क जैसा बन गया है नारद। अत्यंत दुर्दशा है माँ, हृदय व्याकुलता से भर गया। आश्चर्यचकित हूं कि ऐसे पाप का भार आप कैसे उठा रही है माँ। मैं महापाप को उठा रही हूँ जानती हूँ, परंतु दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए मुझे उठाना ही पड़ रहा है। मैं दिशाहीन हो चुकी हूँ, मुझे सिर्फ तुम ही मार्ग दिखा सकते हो नारद। मैं इस भार से छुटकारा पा सकूं, इसके लिए कोई तो उपाय मुझे बताइए नारद। नारायण, अब तो बस श्रीमन नारायण ही रक्षा करेंगे। आप उनकी अर्धांगिनी हैं, वे आपकी किसी बात से इनकार नहीं करेंगे। आपको जब भी आवश्यकता पड़ी, नारायण ने स्वयं ही मनुष्य अवतार में जन्म लेकर धर्म की स्थापना की है और आपका भार कम किया है माँ। लेकिन नारद, क्या स्वामी मेरी पुकार सुनेंगे? अब सोच में पड़कर समय व्यर्थ मत कीजिए माते। प्रेम से भरे स्वामी आपके हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। आप तुरंत जाइए। हे प्रभु, अब मेरे हृदय को तसल्ली हुई। अब मैं अपने हृदय की बात कह सकती हूँ, रास्ता दिखाने के लिए उन्हें प्रार्थना कर सकती हूँ। अभी तो मैं वैकुंठ के लिए निकलती हूँ नारद। कल्याण हो, चाओ माते, मनोवांछित सिद्धि रस्तो। नारायण नारायण।
सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सोदरी, सब कुशल मंगल है ना? देवी, अचानक आने का उद्देश्य? मुझे आना पड़ा स्वामी। सोदरी, आपका मन तो बहुत ज्यादा आंदोलन से परेशान हो रहा होगा ना? मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे से दिखाई देती है, ये कहावत है। क्या मेरा चेहरा देखकर आपको ये महसूस नहीं हो रहा बहन? देवी, आपकी इतनी व्याकुलता का कारण क्या है? बिना कारण आपको ऐसा कष्ट पहुंचाने का साहस किसने किया? वो अभागा कौन है? हे इस समस्त जगत के सूत्रधारी, आप तो सर्वज्ञ हैं। समस्त चराचर प्राण कोटि जिंदगी के आप कारण हैं प्रभु। क्या ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता? पर मैं जानती हूँ आप मेरे मुंह से ये सुनना चाहते हैं स्वामी, कि आप अवतार लीजिए। मेरी इस मनोव्यथा का कारण है मेरे सहारे जीने वाले ये मनुष्य। सब जन्मों में उत्तम जन्म सिर्फ मानव जन्म को ही माना गया है। मानव जन्म लेकर मुक्ति पाने वाले महान महर्षियों को हम सब ने कृता, नेता, द्वापर युगों में देखा गया है। अब आप बताएं, वैसे इन मानवों के पश्चाताप का कारण क्या है? मनुष्य निरंतर स्वार्थ में लिप्त हो गया है, अपने ही बारे में सोचता है और समाज के बारे में सोचना भूल गया है। नहीं देवी, आपकी इस अवस्था का कारण काल पुरुष का प्रभाव है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध से शुरू होने वाले काल के प्रभाव से विचलित होकर काल पुरुष ने धर्म भ्रष्ट करके अधर्मी मानव को पतन का रास्ता दिखाया है। इतना ही नहीं देवी, अपितु 6 दुष्ट गुणों का बंदी बनाकर मानव पूर्णतः कर्म भ्रष्ट हो गया है। मानव की एकाग्रता ऐसी नष्ट हुई है कि दया, करुणा और मानवता कहीं कण मात्र भी दिखाई नहीं देती। काम से पीड़ित मानव न्याय पथ को छोड़कर स्वार्थवश हर पल अपने हित के लिए तड़पता है। जरूरत पड़ने पर पाप करने से भी नहीं झिझकता। इसीलिए आजकल कलयुग में पाप पुण्य का अंतर नहीं रहा, अतः न्याय अन्याय की बहस व्यर्थ है। धर्म अधर्म का ज्ञान शून्य है और ये दुष्प्रभाव कलयुग के अंत तक रहेगा। तब तक आपके लिए ये व्यथा अनिवार्य है देवी। ऐसा मत कहिए स्वामी। यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नमो नमः। मैं इस योगी नहीं कि आपको ये बता सकूं स्वामी, क्योंकि आपने कहा था कि जब जब इस धरती पर अधर्म का तांडव होगा आप अवतार लेंगे स्वामी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के जरिए समस्त लोगों को आपके अवतार का दर्शन हुआ था और आपने अपने अवतार का परमार्थ समस्त लोगों को बताया था स्वामी। आपकी पत्नी होकर अपने पति से ये नहीं पूछ रही हूँ, एक भक्त की तरह मेरा आवेदन स्वीकार कीजिए और इस विपत्ति से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मुझे निराश मत कीजिए, मुझ पर तनिक दया दिखाइए प्रभु। देवी, आपका निवेदन मैंने समझ लिया है। आपके आंसू देखकर भी मैं चुप रहूं, इतना कठोर नहीं हूं मैं, परंतु काल पर शासन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। देवी, यह आपकी परीक्षा का समय है। अधिकतापूर्ण तथा संयम से कर्तव्य पालन करते हुए या तो कलयुगांत तक प्रतीक्षा करो या सृष्टि विधान कर्ता ब्रह्म से प्रार्थना करो, अवश्य आपका शुभ होगा।
देवी, जिसने लोक कल्याण के लिए स्वयं के युग का वध किया हो, इतनी धैर्यवान देवी आज इतनी धैर्यहीन कैसे हो गई? कठिन परिस्थितियों में धैर्य से काम लेना और जीवन बिताना हमारा परम कर्तव्य है। आपकी अगर ऐसी ही आज्ञा है प्रभु, तो मैं इंतजार करूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके आदेशानुसार ब्रह्मा जी के पास जाकर मैं ये आवेदन करती हूँ। नमो नारायणाय नमः। देवी, क्या सोच रही हो देवी? कुछ भी नहीं स्वामी। मुझसे कैसा रहस्य देवी? आपकी लीला ये, भला हमें पता नहीं होगी क्या स्वामी? आप जैसे महान सर्वज्ञ हमारे मन की बात नहीं मालूम क्या स्वामी? सागर की गहराई नापना आसान है, परंतु नारी के मन को समझना असंभव है। अंततः देवी, आप अपना तात्पर्य बताएं तो हम उसका अभिप्राय बताएं। अखिल ब्रह्मांड को अपने पेट में छुपाए आप बहन भूमाता की इच्छा को असहम कर टाल दिया है, और ये अनंत लीलाओं में भाग लेना मैं आपका क्या समझूं? या तो सहजन चारिणी का संकोच समझकर मैं शांत ही रहूं। इस भीषण समस्या में विचार कर रही हूँ स्वामी। सूक्ष्म ग्राही, मुझे जो पूछना था वो पूछ लिया, परंतु ये सब देव रहस्य है और भविष्य में स्वयं आप भी समझ ही जाएंगे। तब तक आप इस रहस्य को रहस्य ही रहने दीजिए। महर्षियों, इस प्रकार भूदेवी वैकुंठ से निराश होकर लौटी। महाविष्णु की आज्ञा अनुसार भूदेवी सृष्टिकर्ता ब्रह्म निवास के लिए रवाना हुई। विधाता, पाहिमाम पाहिमाम, रक्षमाम रक्षमाम। आओ बहन, सब कुशल मंगल है ना? बहुत दिन हो गए, कुशल मंगल की कोई बात कानों में नहीं पड़ी। सरस्वती, मन की इस व्यथा के साथ आपके पास आई हूँ ताकि आप मुझे रास्ता दिखाएं और मेरे मन को तसल्ली मिले, ताकि मन से ये बोझ उतरे। भूमाता, आपके आंदोलन का कारण क्या है? दिक्पालक अपना विधि ठीक से नहीं निभा रहे हैं क्या? आप पे रहने वाले सर्व प्राण कोटि सुखी हैं ना? मेरे मन में अनेक शंकाएं उठ रही हैं। आपका आंतर्य जल्दी बताइए माँ। विधाता, आप नहीं जान सकते मेरी क्या दुर्दशा है। अपनी व्यथा कैसे बताऊं? मेरी व्यक्तिगत समस्या है ना, इसलिए मैं ही बताती हूँ। इस कलयुग की सृष्टि रचने में कोई लोक सहायक नहीं है। जन्म लेने वाले समस्त प्राणी पाप कर्मों में लीन है प्रभु। सत्युग का धर्म ढूंढने पर भी नहीं दिखाई देता है चतुर्मुखी। मानव अपनी विधियों के सुकर्म करना छोड़कर अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार निरंतर उग्र होता जा रहा है। जब भी जहां देखो वहां या तो
बाढ़ आ रही है या अकाल पड़ा है स्वामी, ये सब मुझे भयभीत कर रहे हैं। कोई उपचार सुझाई नहीं देता मुझे। इस अथाह मुश्किल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए मुझे। बस यही प्रार्थना लेकर कि मैं आपके पास आई हूँ। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? ये आपकी सृष्टि की भूल है कमलासन। यदि आप बुरा ना माने तो बोलो माता। मेरा ऐसा विचार है कि आपकी सृष्टि में ऐसी कई त्रुटियां हैं, जैसे अल्पायु के मानव को कुछ दुष्ट गुणों ने अपना अधीन बना लिया है। इसी के परिणाम स्वरूप वह हर पल कीचड़ भरी पाप की जिंदगी बिता रहा है। रिश्ते नाते छोड़कर वो अकेला पाप के मार्ग पर चलता जा रहा है। नैतिकता भूल गया, समाज सेवा भूल गया है, अपनी इच्छा से अधिक मनमानी कर रहा है, पड़ोसियों से प्रेम व्यवहार समाप्त हो गया है, स्वार्थ और ईर्ष्या के भाव बढ़ गए हैं और तांडव कर रहे हैं। क्या आप इसके उत्तरदायी नहीं है प्रभु? धर्म अधर्म से डरता है, पुण्य पाप के भूत को देखकर भयभीत हो रहा है। इस भार को मैं सहनशीलता से उठा रही हूं, पर अब मेरी सहन शक्ति कमजोर हो गई है, इसलिए आप दोनों के पास आई हूं। क्या इस दर्द का कोई परिष्कार नहीं है? इस पाप के भार से क्या आप मुझे छुटकारा नहीं दिला सकते? मुझे कब इस सबसे मुक्ति मिलेगी? बोलिए स्वामी, दिशाहीनता की इस परिस्थिति में क्या मेरा अंतरनाद आपके कानों तक नहीं पहुंच रहा, या मेरी इन बातों की दीनता दुर्बलता का रूप धार कर परिहास का कारण बन गई है? भू माता, अन्यथा आपके मुखमंडल पर ये मुस्कुराहट क्यों आती? मेरी ये दशा आपके मन को क्यों नहीं पिघला रही? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। शांत रहो माता, शांत रहो। आपकी दुर्गति देखकर परिहास करूं इतना निर्दयी नहीं हूं मैं। किसी दुष्ट के समान आपको दुख पहुंचा सकता हूं क्या? कदाचित। कोई आधार ढूंढने की इच्छा और समस्या ने आपको दुर्बल बना दिया है। अब मैं सत्य बताता हूं, सृष्टि के आरंभ से धर्म की संस्थापना के लिए पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण अनेक रूपों में अवतरित होकर धरती से पाप का भार कम करते आए हैं। अतः हितकारी, दुष्टों का विनाश करने वाले तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को संभालने वाले श्री नारायण ही हैं। उनकी अर्धांगनी होते हुए भी आप मेरे पास आईं। ब्रह्मदेव, कदाचित श्रीमद् नारायण मेरे पति भी हैं और परमात्मा भी हैं, तो आपसे पहले मैं उन्हीं की सेवा में गई थी और उनसे मानव पापों का भार कम करने की प्रार्थना की थी, किंतु मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरा अंतर्नाद व्यर्थ रहा, शायद उन्हें मेरे विलाप में दयनीयता का आभास नहीं हुआ। तभी तो सब सुनकर भी वो सिर्फ मौन ही रहे, केवल इतना कहा कि अभी उचित समय नहीं है, काल को टालना असंभव है। तो हे कमलाकर ब्रह्मदेव, आपके पास आकर विनती करने का आदेश मुझे श्रीमद् नारायण ने ही दिया है। भू माता, कलयुग में काल पुरुष के वज्रघात का सामना कोई नहीं कर सकता, काली प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। अगर आप धर्म की संस्थापना चाहती हैं तो आपको कलयुगान तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब तक कोई सहायता नहीं कर सकता। पर कोई तो मार्ग होगा ब्रह्मदेव, मैं कलयुगांत तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ। आपकी व्यथा को समझ सकता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आप सहन शक्ति का दूसरा रूप है। अभी थोड़े दिन तक तो आपको सहन ही करना होगा, पर अगर ये कठिन है तो आप लयकारक से प्रार्थना करें, वो समाधान अवश्य बताएंगे। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है? इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, तो अब मैं भूतनाथ से प्रार्थना करके देखती हूँ कि पंचभूत के वो पालक मेरी सहायता आखिर किस तरह करते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। सब अच्छा होगा, शुभ मास्तु। स्वामी, ये कैसी लीला है? लीला,
किसकी लीला देवी? आपकी लीला स्वामी। अगर आप चाहे तो भू माता का भार कम करना आपके लिए जरा भी कष्ट की बात नहीं है। ये कलयुग है देवी, काल का प्रभाव कम होने तक व्यधन स्वयं हमें भी भुगतना पड़ता है, और ये सत्य तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। सत्यलोक से भी भूमाता को निराश लौटना पड़ा, लेकिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के बोलने से वो दौड़ती हुई भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश जा पहुंची। वंदे जगतकारक गंगा जले गौरी परा। पाहि माम रक्ष माम रक्ष माम। नमो नमः। हे पौराण दंपति, इस तरह असमय आकर आपके आनंद में अवरोध के लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु क्या करूं, आत्मवियोग बताकर जगत कल्याण हेतु प्रार्थना करने के लिए ये साहस मुझे करना ही पड़ा। आप सदैव ही जगत कल्याण के बारे में सोचती रहती हैं। क्या आप स्वयं कुशल हैं? हाड़ मास के इस शरीर और टूटे हुए मन के साथ मैं सब कुशल कैसे रह सकती हूँ जगत माता? माता, भूमाता, सर्वलोक रक्षक स्थिति कारक कमल नभ को पति पाकर भी आप परेशान क्यों हैं, बताइए? आपकी बातें दूसरों के लिए अवश्य ही सत्य प्रमाणित होंगी, लेकिन इस दिन के लिए उपयोगकारी नहीं है। मेरे स्वामी मेरे आधार पर जीने वाले पशु पक्षियों के प्रति तो अत्यंत दयावान हैं, पर मेरी उन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। हे नीलकंठ, मैं काल से बचने का उपाय जानने आई हूँ। माते, अपने अंतर्मन की दुविधा के बारे में विस्तार से बताइए। कलयुग के मानव तो द्वापर युग के असुरों से भी अधिक क्रूर बनकर क्रूरता से मार काट कर रहे हैं आदिदेव। सृष्टि के प्रारब्ध से युग धर्म के अनुसार भूमाता का भार कम करने वाले, अनेक अवतार लेने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले पुरुषोत्तम श्री महानारायण हैं। इस सत्य को आप समझ नहीं सकी माते? ये सत्य तो मैं भी जानती हूँ शंकर। सबसे पहले मैंने अपने स्वामी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी, पर उन्होंने मुझे टाल दिया। उसके बाद मैं सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। उन्होंने कहा मैं सृष्टि का कर्ता अवश्य हूँ, लेकिन भविष्यकर्ता नहीं हूँ, और ये कहा इसके समर्थ तो लयकार ही है। सो मैं आपके पास चली आई। इस मौन का क्या अर्थ है आदिदेव? हे भक्त वत्सल, इस वक्त तो मेरी रक्षा आप ही कर सकते हैं। कृपया इस पाप की गंदगी से मुझे मुक्ति दिलाइए आदिदेव। आपने असुरों को आत्मलिंग का अनुग्रह करा के भूलोक को कैलाश का रूप दे दिया था। आपके लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माते, संपूर्ण पृथ्वी का कई युगों से भार उठाए हुए आपको मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? कर्म के मार्ग को इनकार करने की शक्ति त्रिमूर्ति बने हम में भी नहीं है। कर्म का सत्य आप भी जानती हैं। अवस्था भेद होने पर अपना सर्वस्व त्याग कर मैं शमशान में रहा हूं। इसलिए माते, कलयुग के अंत तक
आपको ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। उस समय की प्रतीक्षा के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका कल्याण हो, जाइए माता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप तीनों ही मुझे धैर्य के साथ सहन करने को कह रहे हैं, तो ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। नमो पार्वती परमेश्वर। परंतु भूमाता, स्वामी। बोलो देवी। अर्धांगिनी का क्रोध देखकर भी मन नहीं पिघला उस वैकुंठ नाथ का। मातृ समान भूमाता का मनोवैध देखने के बाद उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया स्वामी। और जब भूमाता आत्मीयता के कारण हमारे पास आई तो आपने कर्म सिद्धांत का आदेश दिया और उन्हें टाल दिया स्वामी। यदि एक नारी की व्यथा आप त्रिमूर्ति ही नहीं समझ पाएंगे तो दूसरों से क्या आशा रख सकते हैं। स्त्री के सहज स्वभाव अनुसार आपने पक्षपात दिखा दिया देवी। कलयुग की सृष्टि चित्र विचित्र है। इस युग में धर्म शून्य है, पाप का सबसे ऊंचा स्थान है। पुण्यात्मा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। इस परम रहस्य को आप अभी नहीं समझ पाएंगी। इसका परिणाम आपको शीघ्र ही मालूम पड़ेगा। नारायण। हे माता, क्या आपकी वैकुंठ यात्रा दिग्विजय हुई? नहीं नारद, मेरा अंतर्नाद तो आर्तनाद बनकर रह गया। मेरे स्वामी ही अगर मेरी विनती ना सुने तो दूसरा से सुनने की क्या आशा रख सकती हूँ मैं? आप ही बताइए नारद। ये तो अन्याय है माते। अति सामान्य मानव की विनती भी श्रद्धा से सुनने वाले स्वामी ने अपनी अर्धांगिनी की वेदना को अनसुना कर दिया, आश्चर्य है। पर कुछ तो कहा होगा उन्होंने। कल युगान तक मुझे प्रतीक्षा करने को कहा है। अवतार का समय अभी नहीं आया है ऐसा कहा है। और यदि तब तक ना सह सकूं तो विधाता से अपनी मनोव्यथा सुनाने का मुझे आदेश दिया। अच्छा अच्छा, तो सृष्टिकर्ता से मिली आप माते? ब्रह्मदेव को भी मैंने अपनी व्यथा सुनाई नारद। आपकी बनाई सृष्टि कर्म से और धर्म से क्यों भ्रष्ट हो रही है, यह भी पूछा मैंने नारद। अति उत्तम, अब कहानी में अद्भुत मोड़ आया है। अभी तक सृष्टि की तृप्ति हेतु प्रश्न करने वाला कोई ना था, यह महत्वपूर्ण कार्य आपने कर दिखाया। परंतु ब्रह्मदेव ने क्या कहा माते? मानव की सृष्टि में कोई त्रुटि नहीं है कहा। इस अनंत काल चक्र में धर्म, सत्य और न्याय युगों के हिसाब से बदलते रहते हैं। कहते हैं सतयुग में धर्म ही देव था, सत्य ही साधन था और न्याय ही मानव के जीवन का एकमात्र मूल आधार था। परंतु इस कलयुग में अधर्म, असत्य, अन्याय आदि देवता बनकर मानव के मन को मार कर पाप के इस भार को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में वो कुछ नहीं कर सकते ऐसा कहा है। इस परिस्थिति को लय में करने की शक्ति केवल महादेव को ही है, उन्होंने ऐसा कहा है। भक्त सुलभ भोलेनाथ ने कोई समाधान बताया क्या? आदिदेव का अनुग्रह होता तो मेरी ये दुर्दशा क्यों होती नारद? शिव के हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में शिव है, इसका अर्थ है शिव केशव में कोई भेद नहीं है। परंतु आपका भार कम करने का क्या मार्ग बताया? नहीं नारद, उन्होंने मुझे कोई समाधान नहीं बताया। मेरे पास तो अब सिर्फ निराशा ही निराशा है। व्याकुल ना हो माते, सृष्टि के त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने यदि इनकार किया है तो अवश्य कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। काल का प्रभाव तो त्रिमूर्ति को भी भुगतना पड़ता है नारद। इन परिस्थितियों से तो ऐसा ही आभास होता है माते। तो क्या मेरे लिए और कोई मार्ग नहीं नारद? वही सोच रहा हूं माते, वही सोच रहा हूं मैं। Thank you.
मिल गया माता, मार्ग मिल गया। क्या है वो मार्ग? त्रिमूर्ति के नकारे गए लक्ष्य को आप त्रिमाता के द्वारा प्राप्त करें। वो कैसे संभव है? ये मैं आपको समझाता हूँ माते। जैसे सकल विद्या की माता सरस्वती है, सर्व संपदा की माता लक्ष्मी है, सर्व शक्तियों की माता पार्वती आदि देवियां हैं, वैसे ही समस्त जीवों के लिए एक आदि देवी चाहिए। आपका तात्पर्य क्या है नारद? तात्पर्य बताता हूं माते। सर्व मानवों के सुख शांति से प्रसादित करने वाली एक आदि देवी की सृष्टि होने पर ही आपको मुक्ति मिलेगी। लोक कल्याण के बारे में सोच रहे हैं तो इसे आप ही पूरा कीजिए नारद। ये तो मेरा कर्तव्य है माते। तुम्हारा वचन सत्य होगा नारद। नारायण नारायण। इस प्रकार त्रिमूर्तियों द्वारा अपनी असमर्थता प्रकट करने पर भूदेवी हताश हो गई। ऐसा कैसे हुआ मुनिंद्र? साक्षात त्रिमूर्ति ही भूमाता की रक्षा नहीं कर सके तो फिर माता का मार्गदर्शन कौन करेगा? सृष्टिकारक ब्रह्मदेव अपनी सृष्टि को दंड देकर सही दिशा नहीं दिखा सकते क्या मुनिंद्र? क्षीर सागर से उत्पन्न विष को अपने गले में रखने वाले नीलकंठ गरलकंठ कुछ नहीं कर सकते? आश्चर्य हो रहा है। दोनों की बात छोड़िए मुनिंद्र, विष्णु मूर्ति तो भूदेवी के पति हैं और पत्नी के कष्टों का निवारण करना पति का धर्म नहीं है क्या? ऊपर से लोक में दुष्ट शिक्षण शिष्ट रक्षण के लिए कई बार अवतार ले चुके हैं विष्णु भगवान। अपनी पत्नी का भार कम करने के लिए क्या एक बार और अवतार नहीं ले सकते? सामर्थ्य होने पर भी वो समय के हाथों बंधे हुए हैं, यही विधि का विधान है। त्रिमूर्ति होने पर भी काल के हाथों बंधी हैं। कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये निर्णय काल का है। अदृश्य रूप की उस शक्ति को विधि कहते हैं। हम साधारण मानव हैं, हमारी बुद्धि हमारे विचार बहुत छोटे हैं। देव शक्ति और उनकी लीलाओं को समझने का ज्ञान हम में नहीं है। भगवान विष्णु के मौन धारण का अवतार ना लेने का अवश्य ही कोई कारण है, समझे? वो तो ठीक है मुनिंद्र, परंतु बात क्या हुई? वही बोल रहा हूं, सुनो। हिमालय पर्वत श्रेणी के विशाल कैलाश पर्वत शिखर पर एक दिन विनायक अपनी दोनों पत्नियों सिद्धि और बुद्धि तथा अपने दोनों पुत्रों लाभ और शेम के साथ विराजमान थे। महर्षि, कहा जाता है कि विनायक की शादी नहीं हुई तो फिर लाभ और शेम उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? वो कहते हैं ना, संदेह का कोई अंत नहीं होता। और फिर सामान्य मनुष्य तो ज्यादा शंकित रहता है। मानो तो भगवान है और ना मानो तो कुछ नहीं। भगवान उसके लिए है जो उस पर यकीन करता है, और जो यकीन नहीं करता उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये अपनी सोच पर निर्भर है। जिस समय विनायक अपनी पत्नी और पुत्रों की सेवा में रत थे, लोक संचारक महामुनि नारद कैलाश आते हैं। नारायणा पद्मावती के नारायणा
शंख ध्वनि तुम ओमकारा। करता धरता पालन हारा शंख ध्वनि तुम ओमकारा। घट घट गूंजे नाद तुम्हारा घट घट गूंजे नाद तुम्हारा। घट घट गूंजे नाद तुम्हारा। नारायणा श्रीमन नारायणा नमोस्तुते। नारायणा नारायणा श्रीमन नारायणा। भाग्य विधाता विश्व के नायक कष्ट विनाशक सिद्धि विनायक। भाग्य विधाता विश्व के नायक कष्ट विनाशक सिद्धि विनायक। तुम ही सदा शिव तुम ही तारक। तुम ही सदा शिव तुम ही तारक। तुम ही सदा शिव तुम ही तारक। नारायणा श्रीमन नारायणा नमोस्तुते। नारायणा नारद मुख से नारायणा नारद मुख से नारायणा। पद्मावती के नारायणा नारायणा श्रीमन नारायणा नमोस्तुते। नारायणा नारायणा श्रीमन 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 नारायणा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। शुभमस्तु। नारद ऋषि मुनि अभिवंदन। समस्त सर्व मंगला मस्तु। सर्वम श्री नारायण पर्णमस्तु। निरंतर नारायण नाम का स्मरण के पात्र हो
सर्वलोक का क्षेम चाहने वाले हो नारद। नारद, आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा। नारायण नारायण, आप सकल विघ्नों के अधिपति हैं स्वामी। आपने मुझे सर्वलोक के क्षेम कारक का आशीर्वाद दिया है, इससे बढ़कर नारद का काम और मन साक्षी का उदाहरण क्या होगा। देवी, नारद का मतलब है अज्ञान को मारने वाला, उसके लिए झगड़ा एक कारण है। स्वामी, आज संपूर्ण अनुग्रह मिला है, आपका प्रत्येक प्रवचन मेरे लिए जीवन मार्ग का सूचक है। नारद महर्षि, आज आप कितने दिनों के बाद पधारे हैं? नीचे भूमि पर मानव लोक में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? आपके आज यहाँ अचानक आ जाने का कुछ कारण है क्या महर्षि? माता बुद्धेश्वरी, मेरे आने का कारण स्वामी के दर्शन है और कुछ नहीं। महर्षि, मैंने आपको ढूंढ लिया। चिरंजीवी, सर्वसंग परित्यागी हूँ, मुझे पकड़ने से कोई लाभ नहीं। महर्षि, हम आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं, आपको हमें पकड़ना है। मैंने सबको नचाया परंतु ये बच्ची मुझे नचा रही। ठीक है, चलो। मानसा, सब कुशल है ना? नागलोक भी कुशलता से है ना? सब कुशल है भाई। तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? आज श्रावण शुक्ल पौर्णमी है, रक्षाबंधन का त्योहार, और आज मैं तुम्हें रक्षा सूत्र बांधने आई हूँ भाई। बहुत खुशी हुई। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, बहनों और भाइयों के सादर सूत्र बंधन के प्रतीक रक्षा बंधन को बांधने का शुभ दिन है। मानसा देवी को गणेश को राखी बांधते देखकर मेरा जन्म धन्य हो गया, मेरे आने का अभिप्राय भी पूरा हो गया। इस पवित्र रक्षा बंधन का रहस्य बताइए हमें महर्षि, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। माते सिद्धि, आप तो सर्वज्ञ हो, आपको क्या रहस्य बताऊं मैं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। रक्षा सूत्र बंधन एक पौराणिक धर्म है। धर्मो रक्षित रक्षित, जो धर्म को निभाता है धर्म उसकी रक्षा करता है।
इस पौराणिक धर्म के अनुसार हर साल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षा सूत्र बंधन का पर्व निश्चित है माता। और मुनिंद्र, रक्षा सूत्र बंधन के लाभ क्या हैं? बिना उपयोग के कोई प्रयत्न पूर्ण नहीं होता। ये शुभकारी पर्व दृष्टि दोष का नाश करने वाला, सर्वत्र विजय का आनंद देने वाला, आयु आरोग्य का तथा ऐश्वर्य का सुख देने वाला है। क्या ये आत्मीयता बढ़ाने का साधन है? हाँ माते, ये आत्मीयता को ही बढ़ाने का साधन है। नारद महर्षि के आने का परमार्थ है ना महर्षि? यदि आपका ऐसा मानना है तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ गजेंद्र। ऐसा हो तो हम भी रक्षा सूत्र बंधा लेंगे महर्षि। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाइए, जाकर आप ही बंधा लीजिए, जाइए। हमें रक्षा, मुझे भी रक्षा सूत्र बांधिए। चिरंजीवियों, मैं आपके पिता की बहन हूँ, तुम्हारी नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बांध सकती। बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसलिए आपकी इच्छा पूरी करने के लिए भैया से प्रार्थना कीजिए, जाइए। पिताजी, हमारी रक्षाबंधन की इच्छा पूरी कीजिए। पिताजी, मुझे भी राखी बनवानी है, मेरी भी इच्छा है। देवी, सुनी चिरंजीवियों के मन की इच्छा? जी हाँ स्वामी, नन्हे मुन्ने की इच्छा पूरी करके इन्हें अनुग्रह दीजिए। पिताजी, हमारी माताएं अनुमति दी है, तुरंत हमें बहना चाहिए। चिरंजीवियों, तुम्हारी इच्छा इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। पिताजी, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी, देखा सृष्टि का रहस्य, नन्हे बच्चे हैं, परंतु आपको परम सत्य बता दिए। हमारी इच्छा पूरी होने तक किसी से बात नहीं करेंगे हम, खाना पीना नहीं खाएंगे हम। चिरंजीवियों, देखा स्वामी, अपनी चिरंजीवियों की अस्पर्धा हट। उनको प्रेरित आपने ही किया है महर्षि। नारायण नारायण, अरे मैं क्या हूं, मैं तो केवल कारण मात्र हूं प्रभु। इतना ना करने पर भी छुटकारा नहीं मिल रहा है, देखा माताओं कैसी निंदा सहनी पड़ती है मुझे। इसमें नारद महर्षि का कोई दोष नहीं है स्वामी। रक्षा सूत्र बांधती मानसा को देखकर बच्चियों ने रक्षा बंधन के लिए आकांक्षा दिखाई है। स्वामी, देखा, आपके सपुत्र आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये परीक्षा नहीं नारद, अग्नि परीक्षा है। सत्य है स्वामी, सत्य है, ये रक्षाबंधन का त्योहार आपकी अग्नि परीक्षा ले रहा है। अंततः आप क्या निर्णय लेने वाले हैं? कुछ भी निर्णय लेने के स्थिति में नहीं हूं महर्षि। आप उदंडता ना समझें, तो एक उपाय बताता हूं विघ्नेश्वर। बोलिए महर्षि, तुरंत उपाय बताइए। आप जैसे सत्य स्वरूप को ये मालूम है कि ये अमृत घड़ी है और आप सर्व मंगल रूप के भगवत स्वरूप हैं। इन जगत आधार की तीनों माताओं की उपासना करके जगत कल्याण के लिए सर्वलोक शुभकारी कन्या की सृष्टि कीजिए। ये कैसे संभव होगा नारद? आप तो विघ्न विनायक हैं, अगर आप चाहें तो असंभव भी संभव हो सकता है। दीक्षा से तीन माताओं की प्रार्थना करके उनके अनुग्रह से कन्या की सृष्टि करना आपके लिए कदाचित कठिन नहीं। आप ब्रह्म मानस के पुत्र हो, सृष्टि का रहस्य आपसे जानकर मुझे अधिक प्रसन्नता हुई। आप सभी की इच्छा के अनुसार त्रिमाताओं का अनुग्रह पाने के लिए अभी उपासना करता हूँ। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनया श्रीरंगधामेश्वरी दासी समस्त देव वनिता लोकैक दीपांकुरा लक्ष्मीं क्षीर
समुद्र राजतनयां श्रीरंग धामेश्वरी दासी भूत समस्त देव वनिता लोकैक दीपांकुरा श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभवत ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा स्वाम त्रैलोक्य कुटुंबिनी वंदे मुकुंद प्रिया वंदे मुकुंद प्रिया सरसिज नयने सरोजहस्ते धवलितमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् कलां बिभ्रति सौवर्णाम्बरधारिणी वरसुधाधेता वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरा स्रग्भूषितामुज्ज्वला त्वां गौरी त्रिपुरां परात्परकला त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकला श्रीचक्रसञ्चारिणी पुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदाम् शारदां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां।
नारायण। जी आयुष्मान भव, मेरी सृष्टि का आधार आप हैं। मेरे जन्म का प्रमाण क्या है बताइए। सुपुत्री, आज श्रावण शुक्ल पौर्णिमा है। बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने का त्योहार है। मेरी बहन मानसा देवी को मुझे राखी बांधते समय देखकर उन लोगों ने भी हट ली है और ऊपर से निराहार की दीक्षा में है। उनकी इच्छा पूरी करना पिताजी का धर्म है ना, इसलिए अकुंठित दीक्षा से तीन माताओं की प्रार्थना करके तुम्हारी सृष्टि की है। उन तीन माताओं के अंश का प्रतीक हो मेरी पुत्री। पिताजी, अब मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए। चिरंजीवियों, आप इधर आइए। सुपुत्री, ये तुम्हारे भाई हैं, लाभ और क्षेम। रक्षा सूत्र बांध के इनकी इच्छा पूरी करो पुत्री। ठीक है पिताजी। तुम्हारे कारण हम सबको संतोष मिला है, इसलिए आज से तुम संतोषी देवी के नाम से बुलाई जाओगी। महाप्रसाद पिताजी। विद्या को सरस्वती की तरह, शक्ति को पार्वती की तरह, धन को लक्ष्मी की तरह तुम संतोष की देवी के रूप में पूजी जाओगी। जा गया पिताश्री। आहा, मानवों की उद्धारक तेरी माताओं की एकता का रूप तुम्ही हो पुत्री। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। नारायण नारायण, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो माते? अच्छे काल की प्रतीक्षा कर रही हूँ नारद। वो शुभ दिन आ गया माते, यही समाचार देने के लिए आया हूँ मैं। सुनकर हृदय को ठंडक मिली नारद। शुभ समाचार सुनने से पहले ही इतना आनंद माते। अशांति के इन अशुभ पलों में आपकी शुभ वार्ता से मेरे हृदय को आनंद मिला नारद। मन आनंदित हो उठा है। निराशा के इस रेगिस्तान में आशा रूपी पानी की ठंडी लहर लाकर तुमने मेरे मन को तृप्त कर दिया है। त्रिमूर्ति और देवगण जिस काल का सामना करने में असमर्थ है, उस काल प्रभाव का अवरोध करने के लिए एक शक्ति अवतरित हुई है। अच्छा, कौन है वो महाशक्ति नारद? श्री संतोषी माता। श्री संतोषी माता, इससे पूर्व तो ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। आपका संदेश सत्य है भूमाता। त्रिमाताओं की एकता के रूप में जन्म लेने वाली आदि देवी है संतोषी माता। ऐसी अद्भुत देवी की सृष्टि करने वाला कौन है नारद? ऐसी महान रचना करने वाला वो दिव्य मूर्ति कौन है नारद? सर्व विघ्नों का अधिपति पार्वती प्रिय नंदन मदद प्रिय विघ्नेश्वर ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार को रक्षा सूत्र त्योहार के दिन अपने सपुत्र लाभ और क्षेम की इच्छा अनुसार उनकी रक्षा सूत्र आकांक्षा पूरी करने के लिए त्रिमाताओं की उपासना करके एक कन्या की सृष्टि की है और उनका नाम श्री संतोषी माता रखा है। इस कलयुग में समस्त सुख संतोष के लिए उन्हें आदि देवी बनाया है। कितनी मंगलकारी बात सुनाई है तुमने नारद। उस माता की स्नेहमय दृष्टि से मानव पर से काल का प्रभाव नष्ट हो जाएगा ना, काल दोष मिट जाएगा ना। मुझे विश्वास है कि ऐसा अवश्य होगा। सारे के सारे मानव धर्म मार्ग में चलकर पुण्यात्मा होकर अपना जीवन बिताएंगे। इस भूलोक में धर्म संस्थापन के बाद
नवयुग का प्रारंभ हो जाएगा ना? मुझे इस पाप भार से मुक्ति मिल जाएगी ना? आपके मन में बहुत दिनों से हलचल मचाने वाली तथा संदेह का समाधान करने वाली वो आदि देवी है माता। त्रिकरण शुद्धि से विश्वास करके पूजा करने वालों को कोई कमी नहीं होगी, किंतु रुक क्यों गए नारद? आपके मुख से उस देवी के महिमा गान की अमृत धारा को यूं ही बहने दीजिए नारद। आपकी मानसिक स्थिति में जानता हूं माते, इस पाप का भार कम करने के लिए समस्त मानवों को सहायता चाहिए। श्री संतोषी माता की निष्ठा से, त्रिकरण सिद्धि से आवाहन करके सब उनकी पूजा करें, उनकी महिमाओं का लोक भर में गुणगान करें, समस्त मानवों को उनका भक्त बनाएं। श्री संतोषी माता को कलयुग में कल्प वृक्ष के समान माने तथा धर्मानुसार उनका मंदिर बनाकर आराधना करें। ये कार्य अवश्य पूरा होगा नारद। मेरे पुत्रों जैसे मानव हर पल सुख शांति से जिए, यही तो मेरा लक्ष्य है नारद। उसके लिए जो चाहिए वो सब मैं करूंगी नारद। बहुत प्रसन्नता होगी माता। सब अगर ठीक ठाक चले तो मेरे प्रयत्न और आपके लक्ष्य को सार्थकता मिलेगी माते। सर्वे जना सुखनो भवंतु, आपका मंगल हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए माते। हे नारद, तुम्हारी तपस्या निरंतर इस जगत के लिए कल्याण कारक सिद्ध हो, यही मेरा आशीर्वाद है। नारायण नारायण, मेरा शोधन साधन दूसरों के क्षेम के लिए है, वरना मैं तो सर्वसंग परित्यागी हूं। मुझे इच्छाओं से क्या काम है माते, तो मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। संतोषी माता जय संतोषी माता, संतोषी माता जय जय संतोषी माता, संतोषी माता जय संतोषी माता, संतोषी माता जय जय संतोषी माता। नैया पार लगा दे भक्तों की भाग्य विधाता, विघ्न विनाशक नंदनी जननी ओ संतोषी माता। संतोषी माता जय संतोषी माँ, संतोषी माता जय संतोषी शुभ
संतोषी माता, जय संतोषी माता, संतोषी माता, जय संतोषी माँ, संतोषी माता, जय संतोषी माँ, संतोषी माता, जय संतोषी माँ। बाग कितना अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। आपका वचन सत्य है लक्ष्मी, उधर देखो। पद्मिनी, महासहा, गंदा, परिव्यतित कस्तूरी, चंदन, मल्लिका और चमेली से भरा ये उद्यान त्रिमूर्तियों की अर्धांगिनियों को मोहित कर रहा है। इतना ही नहीं, ये खुशबू हमारे मन को व्यतीत कर रही है, इधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा। दूसरों के लिए तो ये एक अद्भुत स्थल होगा। तुम्हारी प्रशंसा अनुचित है। वो परिजात वृक्ष देख रही हो ना, वहाँ ताल भी है। सतयुग में इंद्राणी और इंद्रदेव से झगड़ने के कारण उपेंद्र के साथ भूलोक पहुंचकर सत्यदेव का रूप धारण किया था। उसी के पश्चात ये वृक्ष हमारे नारद के संकल्प से यहाँ पहुँचा है। सही है, यह परिजात वृक्ष कितना शक्तिशाली होगा, वरना नहीं तो इंद्र उपेंद्र के बीच कितनी दुश्मनी हो गयी। और अलौकिक भक्त तंत्र प्रभजन के सामने लौकिक प्रेम नहीं टिकेगा, यह निश्चित किया है। नारायण नारायण, ये कैसा चित्र है कि माताओं त्रिमाताओं सभी ने एक साथ दर्शन दिए, अमरावती आकर इस ज्ञान उपवन को पावन किया है। ये त्योहार त्रिलोक के लिए भी पूजनीय है। नारद, आप उचित समय पर आए हैं। आज हम इंद्राणी की इच्छा अनुसार मांगल्य व्रत के लिए आए हैं। नारद, तुम्हारे प्रयत्न से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए गए पारिजात वृक्ष को देखकर हम धन्य हुए। नारायण नारायण, वो सब तो श्रीमन नारायण की लीला विनोद है। मेरा कर्ता बनना केवल स्वामी का संकल्प है। त्रिलोक संचारक, आप किस दिशा से आ रहे हैं? भूलोक से माता। भूलोक से? वहाँ के क्या समाचार हैं? भूमाता पाप का भार उठाते हुए दुखित हो रही है। नहीं माता, उनका शोक कम हो चुका है, अब तो वो अत्यंत आनंद से हैं। नारद, त्रिमूर्ति जिसके आगे आसक्त हो गई, उस काल के प्रभाव को किसने हटाया? माता, जिस काल प्रभाव से भूमि पर हलचल पैदा हुई थी, वो आदि देवी माता की करुणा दृष्टि से भूमाता पीड़ा से मुक्त हो गई। कौन है वो आदि देवी? नारद, कहीं आपका कार्य तो नहीं है? नारायण नारायण, उस आदि देवी का नाम है श्री संतोषी माता। नारद, मैं सृष्टिकर्ता के साथ हर पल रहती हूँ, और मुझे ही नहीं मालूम कि वो आदिशक्ति कौन है और कहाँ से उत्पन्न हुई है। नारद, क्या वाकई आप सच बोल रहे हैं? नारद, आपने उन्हें आदि देवी कहा है, तो किसकी आदि देवी है वो? वो सुख संतोष की आदि देवी है। किस तरह की नियुक्ति हुई है? विघ्न विनायक की कृपा से माते, किंतु आप सब माताएं उनसे अनजान हो, ये कैसे संभव है माते? संभव है, 14 भुवनों में चलने वाली हर एक बात को हमें कब ज्ञात होती है? नारद,
हम उस देवी के बारे में जानना चाहते हैं। स्वविवरण बताओ। अवश्य माता, भूलोक में तो हर किसी के मुख से श्री संतोषी माता का ही नाम सुनाई दे रहा है। माताओं की लीलाओं तथा महिमाओं का मानव हर पल स्मरण कर रहे हैं और माता की अत्यंत भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। नारद की बातों का हम स्वयं परीक्षण करेंगे, है ना देवियों? हाँ, परीक्षा लेनी ही चाहिए। नारद, अब हमें आज्ञा दीजिए। इष्ट कार्यामी सिद्धिरस्तु। माताओं, आप तीनों के संकल्प का फल ही श्री संतोषी माता है। यदि माता को पहचान लेंगी तो परीक्षा क्या लेंगी? नारायण नारायण। हमारा अपने असली रूप में भूलोक जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर मानव लोक में सुहागनों को आदर और गौरव दूसरे रूपों से ज्यादा मिलता है, इसीलिए हम उसी रूप में जाकर संतोषी माता की शक्ति की परीक्षा करेंगे। सत्य है, हम देवी रूप में नहीं जाएंगे। आप जैसा कहती हैं, वैसे ही काम रूप में जाकर संतोषी माता की कार्य क्षमता का परीक्षण करेंगी। आज बहुत ही शुभ दिन है। आप तीनों देखने में माताओं की तरह दिख रही हैं। पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इष्ट कार्य कला सिद्धिरस्तु। मनोवांछा फला सिद्धिशस्तु। कल्याणमस्तु। हे देवियों, आज मेरे भाग्य के कारण आप मुझे दिखकर आशीर्वाद देकर मेरे मनोबल को बढ़ाया है। धन्यवाद है माता। ओ, मैं तो भूल गई, आपके आशीर्वाद के उपकार के बदले में मैं आपको ये प्रत्युपकार प्रसाद दे रही हूँ। इसे स्वीकार कर लीजिए, मुझ पे बहुत कृपा होगी आप लोगों की। पगली, बड़े परोपकार सोचकर बच्चों पर उपकार नहीं किया करते हैं, और हम आशीर्वाद के अतिरिक्त तुम्हें कुछ और नहीं दे सकते। ये प्रसाद जो दे रही हो, यदि देवता का प्रसाद है तो ग्रहण करेंगे, इसलिए छोटे बड़ों का भेद नहीं होता, और आदि देवों के अनुग्रह के सामने सब सामान्य है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? संतोष अम्मा। संतोष अम्मा, ये नाम कहीं भी सुना नहीं। सत्य कहा, ललिता सहर्ष माता ने भी ये नाम कभी कहीं नहीं पढ़ा। तुम्हारा ऐसा विचित्र नाम किसने रखा है बेटी? तुम्हारे माता पिता ने किस देवता के अनुग्रह से ये नाम रखा है?
वहाँ पर देखिए, वो माता ही संतोषी माता है, हमारे यश और आराधना की देवी। संतान न होने पर मेरे माता पिता ने निष्ठा से इस माता की पूजा की। संतान के लिए मन्नत करने से उस माता के अनुग्रह से मेरा जन्म हुआ, इसीलिए ये मेरा नाम रखा है। मतलब इसी माता के अनुग्रह से तुम्हारा जन्म हुआ है? हाँ माँ, उस माता की दया की कृपा से मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। इसमें कोई संदेह नहीं, मैं देवी माँ की लगन और पूजा का ही प्रसाद हूँ। ये मेरी माँ का विश्वास है। तो तुम विश्वास से कहती हो कि ये देवी की ही महिमा का प्रसाद है, इतना ही ना? बिल्कुल देवी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हम मानवों के लिए कल्प वृक्ष की तरह है श्री संतोषी माता। इस माता के स्नेह दृष्टि से ही हम सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। इस देवी माता की नियम अनुसार से पूजा करें तो हमारे अनेकों मुश्किलें काम आसान हो जाते हैं, अंधकार दूर हो जाते हैं, मन में शांति बनी रहती है, ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, हमारी मनोदुर्बलता के कारण बनने वाले दुष्ट गुणों से मुक्ति मिल जाती है। लौकिक विषयों से छटपटाते हुए लोगों को, मार्ग खोकर दिशाहीनता की स्थिति से जूझते हुए लोगों को बचाने के लिए वरदायिनी श्री संतोषी माता। संतोषम्मा, तुम्हें देखने से लगता है अभी किशोरावस्था भी पूरी नहीं हुई, अभी तुम छोटी सी कन्या जैसी हो। उसके बाद भी तुम जीवन की हर मुश्किल का सामना करने वाली जैसी बातें कर रही हो। बिल्कुल ठीक कहा, इसकी बातें मैना के जैसी हैं, सुनने में अच्छी तो लगती हैं, मगर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। कोमल सी इस लड़की के चेहरे पर जीवन अनुभव की छाया तक नहीं दिखती, लेकिन ये पारमार्थिक तत्व के बारे में बातें कर रही है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? हे माताओं, आपके संदेहों का मेरे पास एक ही समाधान है। हमारी कुलदेवी संतोषी माता की करुणा के आशीर्वाद से ही मेरे जीवन को उस सार का ज्ञान हुआ है जो पहले कभी नहीं था, जिसे जानने के लिए उम्र का कोई महत्व नहीं होता। संतोषी माता ही मेरा मार्गदर्शन है, मैं उसकी छाया में ही पली हूँ। बस करो इन प्रशंसाओं को, मैं तो माता की महिमा बता रही हूँ, आप क्रोधित क्यों होती हैं? दूसरे समस्त देवताओं को छोड़कर किसी एक देवी का बखान करोगी तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? संतोषी माता के आंगन में खड़े होकर माता से इनकार करने वाले आप कौन हैं? ये जानने की कोई जरूरत नहीं। संतोषम्मा, अपनी देवी पर तुम्हें कितना विश्वास है, तुम्हारे इसी आत्मविश्वास की अभी परीक्षा लेंगे। माता, ये क्या किया माता? मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे बूढ़ी बना दिया आप तीनों देवियों ने? बोलिए मैंने क्या किया, क्या पाप किया है मैंने देवी? तुम्हारी देवी की शक्ति जानने के लिए ऐसा किया है? तुम्हारे आराध्य देवी, तुम्हारी कुल देवी तुम्हें नहीं बचाएगी क्या? माता, ये कैसा अन्याय है? मैंने अपनी देवी माता का रूप आप में देखकर निर्भयता से बातें की है। गर्भ में छुपा कर रखने वाली माता इतनी कठोरता से श्राप देकर क्यों मेरा रूप बिगाड़ रही हैं आप? इस रूप में मैं कैसे संसार कर सकती हूँ? अब मैं अपने माता पिता को कैसे विश्वास दिलाऊंगी कि मैं उनकी बेटी हूँ? कल सुबह मेरी शादी होने वाली है देवी। देवी श्राप से मुझे ये कुरूप मिला है, ये कहकर मैं अपने होने वाले पति को कैसे विश्वास दिलाऊंगी? क्या अब मुझसे कोई शादी करेगा? मैं उन्हें किस तरह का सुख दे पाऊंगी? मैंने सोचा था कि मेरा भविष्य सोने जैसा होगा, मगर क्षण में मेरी आशाओं को निराशाओं में बदल दिया। इतनी सख्त शिक्षा मुझे क्यों दी है आपने माता? मेरा दोष क्या है? बताओ माता,
बोलो माता, ऐसा कठोर प्रयोग आपने मुझ पर क्यों किया है माता? यह आपका धर्म नहीं है माता। माता कृपा करके मुझे मेरा वही रूप प्रसादित करिए माता। हमसे नहीं, अपनी देवी है ना, उनसे जाकर विनती करो, मंदिर में जाकर अपनी कुल देवी से प्रार्थना करो। जाओ जाओ ना। तुम्हारी जन्म कारक महादेवी आदि देवी क्या फिर से तुम्हें पहले जैसा नहीं बना सकती? जैसे कि तुमने बखान किया, अब हम देखेंगे कि तुम्हारी कुल देवी में कितनी शक्ति है। तुम जिस पे विश्वास करती हो वो देवी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। यदि वो सर्वशक्तिमान संपन्न है तो जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम अपनी हार स्वीकार करके जब परम सत्य को जानोगी तब तुम्हें तुम्हारा रूप वापस मिल जाएगा, वरना तब तक तुम्हें इसी रूप में रहना पड़ेगा। माता, शक्ति का, ज्ञान का और संपत्ति का मूल आधार हम हैं। हमारी महिमा ने उस लड़की को बूढ़ी बना दिया। अब देखते हैं कि उसकी संतोषी माँ उस लड़की की शादी किस तरह और कब करवाती हैं। उस लड़की की शादी असंभव है पार्वती। हमारी माया के प्रभाव से बूढ़ी हो जाने वाली उस लड़की का अब उद्धार नहीं हो सकता। परंतु सुंदर सी भोली भाली लड़की को परीक्षा का मार्ग बनाना और उस लड़की के यौवन का हरण हो जाने से मेरा मन अत्यंत दुखी है। सत्य है, ऐसे विद्वान और निरंतर माँ बाप की सेवा में लीन रहने वाली संतोष अम्मा को बिना कारण परीक्षा में डालना मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लक्ष्मी सरस्वती चिंतित क्यों हो रही हो? उस कन्या का ये योग तात्कालिक है। हमारी परीक्षा पूर्ण होते ही उसका यौवन लौट आएगा और दुनिया के सबसे आकर्षक और सद्गुण संपन्न वर से उसका विवाह अवश्य होगा। चलो चलें। नारायण नारायण। माताओं, निरंतर नारायण नाम जपने वाले इस नारद का वंदन स्वीकार कीजिए। अगर मुझे अपने मार्ग में बाधक ना समझें, तो आप लोग देवेंद्र के अमरावती से ही आ रही हैं ना? नहीं नारद, भूलोक से। भूलोक से? हाँ नारद, भूलोक से ही आ रहे हैं। तुम्हारा गुणगान सुनने के बाद हम स्वयं संतोषी माता की परीक्षा लेने के लिए स्वयं हम लोग भूलोक गए थे। भूलोक गई थी आप लोग? वहाँ संतोषी माता के एक परम भक्त को हमने देखा है। छोटी सी आयु में संतोषी माँ की पूजा करने वाली लड़की को हमने बूढ़ी बना दिया है नारद। हरी हरी। हमारे संकल्प का शाप केवल तात्कालिक है नारद। आज उस लड़की का मंगल विवाह है नारद, तो आप देखना अब संतोषी माँ उस लड़की को बुढ़ापे से कैसे मुक्त कराती है, यही देखना है। हम विजय पाते ही उस कन्या का यौवन उसे वापस लौटा देंगे। आप उदास ना हो नारद। मैं उदास नहीं हूँ माते, आज उस लड़की का विवाह बहुत धूमधाम से हो रहा है। असंभव, ये कदाचित नहीं हो सकता। आप तीनों त्रिमाताएं होकर भी देवत्व को समझ नहीं पाई। यदि माता अपने बच्चों की इच्छा पूरी ना कर सके तो सृष्टि धर्म के विरुद्ध होता है माते। इस तरह भक्तों की इच्छा पूरी ना करने वाले भगवान का आदर कौन करेगा? इस परम सत्य को आदि देवी संतोषी माता जानती हैं, इसीलिए उसने अपने परम भक्त के कष्ट का निवारण कर दिया। मेरी बातों का परमार्थ यदि जानना है तो उस ओर देखिए। लक्ष्मी सरस्वती, ये तो बड़ा ही विचित्र दिख रहा है। सर्व माया की मूल मेरी शक्ति, इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इस देवी का क्या रहस्य हो सकता है, ये जानने के लिए हमें भूलोक चलना होगा। नारायण, सर्व जगत रक्षक, तेरी लीलाएं विचित्र है। तू हमारी ही नहीं सबकी परीक्षा लेता है, इन त्रिमाताओं की भी परीक्षा लेता है। मैं भी इनके साथ भूलोक जाकर
संतोषी माता के दर्शन करके उस रहस्य को जानकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा। नारायण। सपना है या सच या वैष्णव माया? ये सब आश्चर्यजनक है ना पार्वती? माया नहीं, मंत्र नहीं, ये तो जादू है। ये सच में संतोषी अम्मा है या केवल हमारी भ्रांति है? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोलती हो पार्वती? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जगत में किसी के लिए भी मेरी माया के प्रभाव से छुटकारा पाना ये तो असंभव ही है। स्वयं मेरे स्वामी के लिए भी ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। ऐसी सामान्य लड़की साध्य हो सकती है ये मैं सोच भी नहीं सकती। परंतु सामने दिखाई दे रही इस वास्तविकता से इनकार भी नहीं कर सकते, ये तो बड़ा कठिन है। माताओं आपको दिखाई देने वाला दृश्य वास्तव है और आपके मंत्र का प्रभाव भी वास्तव है, जिससे बच पाना मुश्किल है। एक बार मुझे ध्यान से देखिए, सत्य आप समझ जाएंगी। कौन हो तुम? यदि मेरे वास्तविक रूप के दर्शन करने को व्याकुल है तो देखिए मुझे। कौन हो तुम? ओहो, तो आप हैं संतोषी माता? मेरे भक्त मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मतलब तुम्हारा और कोई नाम नहीं है? सरस्वती माता, सर्व जीवों की सृष्टि का निर्माण करने चतुर्मुखी की संपन्न लीलाओं की तुम साक्षी हो, फिर भी तुम संदेहग्रस्त हो। ये देहकार तो केवल कल्पना मात्र है और श्रद्धा रखने वाले अपनी मन की इच्छा से मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। अतः भक्तों की इच्छा पूर्ति और उनकी पुकार का उत्तर देना हमारा कर्तव्य है। ये सारी बातें छोड़ो, मेरी माया शक्ति से बचने की शक्ति तुम्हें कहां से मिली? अब गलत समझ रही हैं। इस प्रकृति के दृश्य अदृश्य रूप में समाई आधार मूल शक्तियों को समझ पाना किसी के वश में नहीं है, अपितु अपने भक्तों और बच्चों की इच्छा पूरी करना माताओं का प्रथम कर्तव्य होता है। इस परिस्थिति में उस लड़की के बूढ़े रूप को स्वयं लेकर उस लड़की को यौवन प्रदान किया और मैंने बुढ़ापे का रूप धारण किया। अपने भक्तों की जीवन रक्षा के लिए उनके पापों का भार स्वयं उठा रही हो, यही तात्पर्य है ना? कर्मों का ऋण दूसरा नहीं चुका सकता देवी। ये भूलोक के भक्त कल्प वृक्ष के रूप में तुम्हारी आराधना करते रहते हैं, किंतु तुम सामान्य जीव की भांति कर्म सिद्धांत की बात कर रही हो। श्री माता, सृष्टि के आरंभ से सर्व भूमार को सामर्थ्य से उठाने के लिए अनंत अवतार लेने वाले विष्णु मूर्ति की आप अर्धांगिनी हैं देवी। इतनी महान देवी माता होकर भी आप कर्म सिद्धांत से इनकार करती हैं? कर्म फल अल्प आयु पाने के लिए मानव के लिए ही आवश्यक है, किंतु हम देवी देवताओं के लिए नहीं। आश्चर्य है, तो मेरे एक संदेह को आप दूर कीजिए माता। हाँ कहो। वृता युग में दाविंद्र दशकंठ को मारने के लिए पहले पद्माक्षी की सुपुत्री के रूप में जन्म लेकर स्वयंवर के समय अपने स्वामी के क्रोध के कारण सभा मंडल से अदृश्य होकर मानस सरोवर के तट पर प्रत्यक्ष होने वाली माता क्या स्वयं आप नहीं हैं? आत्म सम्मान की रक्षा हेतु क्या आप योग यज्ञ में भस्म नहीं हो गई थी देवी? फिर उसके उपरांत जनक के घर जन्म लेने वाली श्री रामचंद्र से विवाह करने वाली तथा रावण के हाथों अपहरित होने वाली और लंका नगरी में विरह कष्ट भोगने वाली आप स्वयं नहीं हैं? ये संपूर्ण गाथा क्या कर्म फल के परिपक्व का विलप तांडव नहीं है? सोचिए। हम जो भी करते हैं जगत कल्याण के लिए करते हैं, अपना बड़पन दिखाने के लिए नहीं करते। ऐसा करने हेतु हमारे में बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होता।
सत्य है। पार्वती माता, दुख दर्द में प्रार्थना करने वाले भक्तों को सहारा देने वाला हर एक आराध्य निस्वार्थ होकर ही देखता है। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुम हमारे समान हो? इसमें कोई संदेह है क्या? हम तुम्हारा यकीन कैसे करें? यदि आप अर्थहीन संदेहों से मुक्त होकर ध्यान स्मरण करें और सुबुद्धि से सोचें, तो सर्व सत्य आप तीनों देवियों की समझ में आ जाएगा। तुम्हारी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी सत्य से अनजान नहीं। आपका वचन सत्य है, आप अंतर्यामी हैं। परंतु फिर से मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ देवी। आपके पुत्र विनायक ने श्रावण युग के दिन अपने सुपुत्रों की इच्छा पूरी करने के लिए नारद महर्षि की सूचना पाने बाद आप तीनों माताओं की उपासना करके आपके आशीर्वाद के फल से आपकी एकता स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की थी, है ना देवी? उस दृश्य को याद कीजिए।
इस प्रकार विघ्न विनायक की मानव पुत्री के रूप में आपकी प्रतीक बनी मैं। भूलोक में भक्तों की इच्छाओं को पूरा करके आपका कर्तव्य निभा रही हूँ। यदि अभी भी मेरे कर्तव्य की वास्तविकता को समझी हूँ तो एक बार मुझे ध्यान से देखिए। कदाचित हमारी माया शक्ति कम हो गई है कि स्वयं के स्वरूप जैसी पुत्री को हम नहीं पहचान पाएं। इस युगांत तक हमारे बदले हमारी समस्त विधियां तुम निभाओ और अपनी पूजा करने वालों को सर्व सुख शांति से प्रसादित करके संतोषी माता के नाम से फूलो फलो। अब यकीन हुआ, तुमने भी हमारे जैसे रूप से ही जन्म लिया है। हम तुम्हें अपनी समस्त शक्ति और अनुग्रह प्रदान करते हैं। इसके पश्चात तुम्हारी आराधना करने वाले मानवों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। निष्ठा से तुम्हारी पूजा करने वाले समस्त पूजा कर्मी भक्त तथा सर्व जीव सदैव तुम्हारे रूप में शुभकारी माता का दर्शन करेंगे। कल्याण हो।